स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट चलिए आप सभी वैद्यों को नमस्कार। प्रभात पांडा जी, रवि कुमार सिंह जी, मीना नागर जी, आकांक्षा जी, सरोज देसाई जी और गौरव जी, अभी एक बहुत ही अच्छा सेशन मैं देख रहा था वेरिकोज वेन्स पर। मैंने अरविंद पाठक जी को मैंने कहा था कि आप वेरिकोज वेन्स पर लेक्चर लीजिए, क्योंकि हमारे पास पूरी फीडबैक्स आते हैं कौन से सेशंस, कौन से लेक्चर्स लोगों को रिक्वायर्ड हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे लोगों को मटेरियल्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए आज वो लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से हम नए नए टॉपिक्स, नए नए ऐसे जो हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए GG 148, ये मैंने ही वैद्य अरविंद पाठक जी को ये सजेस्ट किया था कि यू जस्ट टेक द लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। तो हम लोगों के आयुर्वेद में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे अभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है या यहाँ आयुर्वेद कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं रवि कुमार सिंह जी, जैसे कि वेरिकोज वेन्स है, ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स
हमारे पास और भी कई ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस की आती हैं आते हैं जहाँ पर वो शायद नहीं जानते कि इनका आयुर्वेद में बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सेरेब्रल पाल्सी है, इसी प्रकार से आप देखें तो बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, पोलियोमाइलाइटिस है, पैराप्लीजिया है, हेमिप्लेजिया है, इन सभी कंडीशंस को आयुर्वेद की अपंचकर्म चिकित्सा से बेहतरीन ट्रीटमेंट दे के ठीक किया जा सकता है। तो लोगों में एक अवेयरनेस भी है और हमारे चिकित्सक भी इस सब्जेक्ट्स को बहुत रुचि से लेते हैं, सीखते हैं। तो इसी प्रकार से मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत हमारे चिकित्सकों की डिमांड थी, विशेषकर हमारे कुछ चिकित्सकों ने अनुरोध किया था। तो आप भी, आपके मन में भी अगर ऐसी कोई चैप्टर्स, कोई टॉपिक जिसपे आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आती हो और आप चाहते हो कि उस पर कोई भी लेक्चर हो, या आप चाहें कि तो आप वो टॉपिक मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में 9760846878 जो नंबर आपके पास है, आप मुझे उस पर सेलेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपने देखा होगा कि वो लेक्चर्स अरेंज हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो हर तरह से काफ़ी मजबूत हों, और मैं इसके लिए वैद्य अरविंद पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और तैयारी करके आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, और आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से ये लगभग लगभग 1 वर्ष अब हो जाएगा। हमने जनवरी या फरवरी में इन सत्रों की शुरुआत की थी, क्लिनिकल आयुर्वेद सेशंस की, और आज भी देखिए लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी 148 लोग हमारे डेफिनेटली इन लेक्चर्स को देख रहे हैं फेसबुक पर। तो इसका मतलब है कि लोगों के लिए अभी हमारे हमारा क्रेज खत्म नहीं हुआ है, बस जरूरत इस बात की है कि हमें और अच्छे टॉपिक्स पर हमें लेक्चर्स कराने की जरूरत है। डेफिनेटली कार्डिक डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी हमने एक सीरीज भी करवाई कराई है, उस पर हम आगे भी उस पर करेंगे। महफूजील सैयद साहब जुड़ गए हमारे साथ। महफूजील सैयद साहब, आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दे दीजिए। आज पहली बार शायद आप आए हैं, ऐप से ज्वाइन किए हैं क्या आप? हाँ नहीं सर, मैं फेसबुक पे लाइव था अभी। हेलो। अच्छा, आपको वहां से मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिला है? हाँ वहां से मिला है। कहाँ से हैं आप? महफूजील सैयद साहब, आप हैं कहाँ से? मैं भुसावल से हूँ सर, चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय साके गांव से फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप महफूजील जाहिद जी हमारे आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषक के लिए आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रमोट करिए, वो लोग हाँ भी सर, आए श्योर। और यहाँ पर सीखें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ क्लिनिकल डिस्कशंस होते हैं, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करवा सकते हैं और कर सकते हैं। और बिल्कुल साथ साथ आप आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप है, अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने सारी की सारी संभाषा और जो भी ये लेक्चर्स हैं, ये सारे लेक्चर्स जो आपके बिल्कुल छूट गए हैं वो सब पीछे आपको वहां देखने को मिलेंगे। श्योर और श्योर इसके अलावा उसमें एक आयुर्वेद लाइब्रेरी सेक्शन है, उस लाइब्रेरी सेक्शंस में आपको सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, कोर्स मटेरियल्स, वो भी वहां मिलते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने जो आप मेरे साथ में यहाँ कॉलेज के टीचर्स जुड़े हुए हैं या जो मेडिकल ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया लिंक्स में आप इन जूम की आईडी और पासवर्ड को आप दे सकते हैं। अमी इंगोले जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आज काफी लोग नए जुड़े हैं, इसका तो मतलब है कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने जो आप प्रायः शांत रहते हैं। यहाँ पे आवाज आ रही है, म्यूट कर देता हूँ। आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर 40,000 चिकित्सक जुड़े हुए हैं, लेकिन उन चिकित्सकों को जगा करके हमने अपनी तरफ अपने सेशंस में ज्वाइन कराना है। महफूजील सैयद साहब, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ, या आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना वो आपको लिंक के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, आप ये नंबर नोट कर लीजिए, ये मेरा नंबर है और आप इस पे मुझसे वो आप लिंक ले सकते हैं। 9411137993 ये मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने आपको ये नंबर डाल दिया है यहाँ पे। आई होप दैट 1 मिनट, ये आपको नंबर मैंने बोल दिया है, शायद आपको मिल गया होगा ये नंबर। देखिए आप, डू यू फाइंड द नंबर और नॉट, आई डोंट नो,
ये देखिए आपके पास ये नंबर आ गया होगा 9411137993। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे और आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को दे देंगे, तो आपको जिनको भी चाहिए आप लिंक ले सकते हैं। चित्रा जोशी जी, विवेक भारद्वाज जी, श्रवण जी, अविनाश लोबा जी, विकास जी, विनीता शुक्ला जी, मीना नागर जी, मैडम अंजना सक्सेना जी, विवेक भारद्वाज जी, रमन गर्ग जी, अनुप्रीता सिंडे जी, बहुत बढ़िया, हरुण जी हमारे साथ, धनाई जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ते हैं, सरोज देसाई जी, गौरव जी, अंजू जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि अभी हम लोग संभाषा में एक विषय विशेष पर फोकस रखते हैं और शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी श्वास नाम का विषय शायद चल रहा है, ऐसा मुझे शायद उम्मीद है। और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी सुबह 6 बजे की जो माधव निदान का जो टॉपिक चलता है आप उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसा है शास्त्रों को प्रातः काल पढ़ना एक बहुत ही अनुकूल, बहुत ही अनुभव है और एक ऐसा अनुभव है जो आपके लिए बहुत ही मतलब आपको एक बहुत अच्छा एक फीलिंग देता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो लोग नए ज्वाइन किए हैं सुबह 6 बजे आपको इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से आप सुबह प्रातः संहिता पठन कक्षा में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 बजे हमारी वैद्य गणों की टीम है जिनमें अंजना मैडम, वंदना मैडम और साथ में अरविंद पाठक जी और मोनिका मैडम, ये 4 लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा सत्र चलता है जिसका नाम है अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय के 18वें या 19वें अध्याय पर चर्चा चल रही है जहां पर पंचकर्म के बस्तीकर्म के बारे में व्यापक विचार होता है। तो ये आपके लिए अवसर है कि आप शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, शास्त्रों को समझ सकते हैं और शास्त्रों का विवेचन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग अपनी प्रैक्टिस में शास्त्रों को अब हम शास्त्र को भी खोलने लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सभी चीजें आपको जो है वो हमारे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम पढ़ते हैं, तो 6 बजे के आसपास का समय ब्रह्म मुहूर्त में ही हम जोड़ते हैं। शायद लोग सोते होंगे जाड़ों में, पर हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो सेशंस चलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि आप अगर ब्रह्म ज्ञानम तदर्थम अध्ययन अद्वापी ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूर्तो ब्रह्म, यानी कि जहां पर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो मुहूर्त में अगर आप संहिताओं का पाठ करते हैं, संहिताओं को समझते हैं, तो उसका एक बहुत लाभ मिलता है। पूरे दिन आप पूरे एनर्जेटिक रहते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो हम आपको आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं और आपके नॉलेज के हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से मैं अब आपको जो मैंने आज का आपको ओपनिंग रिमार्क दे दिया, अब मुझे उम्मीद है कि थोड़ा समय आप इंतजार कीजिए। हमारे जो अभी मॉडरेटर साहब हैं उन्होंने अभी एक बहुत धमाकेदार लेक्चर लिया है, थोड़ा सा वो अभी आराम कर रहे होंगे। तब तक जो है आपके कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करिए और कोई आपका एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर दूंगा और आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पे हमारा एक्सपर्ट पैनल भी है जिनमें से बहुत सारे वैद्य हैं जो अच्छा जवाब देते हैं। मैडम अंजना हैं, रमन गर्ग जी हैं, हारून जी भी बहुत अनुभवी चिकित्सक हैं और अभी यहाँ पर और भी चिकित्सक जुड़ जाएंगे, मीनल गुप्ता जी हैं, ये सब वैद्य जो हैं। यहाँ देखिए इसका नाम ही है वैद्यों द्वारा वैद्यों के लिए आयोजित संभाषण, इसका हमने टैगलाइन दिया है। तो यानी यहाँ पर हर वैद्य एक्सपर्ट है और हर वैद्य के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। कहते हैं कि नॉलेज कोई भी स्टूडेंट और कोई भी टीचर नहीं होता, हम सभी, हमारा टीचर जो है वो शास्त्र है और शास्त्र हमको प्रकाशित करते हैं। तो हम सभी के गुरु शास्त्र हैं। हाँ, उन शास्त्रों की विवेचना करने के लिए माध्यम में हमारे बहुत सारे गुरु हैं जिनमें निगम सर हैं, जैसे वैद्य अरविंद पाठक जी हैं, हम हैं, मैडम अंजना हैं, कामिनी धीमान मैडम हैं, वंदना जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मोनिका जी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, प्रभात पांडा जी भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, रवि कुमार सिंह जी ने कल बहुत अच्छे सेशंस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, विन्यासा जी ने भी शायद रिक्वेस्ट किया था और उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो लेक्चर्स चल रहे हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हरे किशन बोल रहे हैं और आपको भी हरे कृष्णा, आकांक्षा श्रीवास्तव जी भी हैं यहाँ, प्रशांत भट्ट जी, आपका मैं कुछ दिनों से आपका एक्सप्लोरेशन सुन रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप और आप पंचकर्म भी करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हमें बाद में भी इन सेशंस को हम रिकॉर्डेड देखते हैं। सुधीर साहू जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आयुष 123 पता नहीं कौन है, इनका नाम नहीं आया है इसमें,
आयुष 123 आप अपना नाम बताएंगे तो अपडेट कर दूंगा मैं। 44 लोग जुड़ गए हैं तो आज का सेशन आप स्टार्ट करिए। मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। जब तक वैद्य जी हमारे पधारते हैं तब तक हम मैडम अंजना मैडम को हम जो है यहाँ का होस्ट बना देते हैं। बहुत अच्छा मैडम जो है आप तब तक बहुत अच्छा संचालन करती हैं आप, क्योंकि आपको अनुभव भी हो गया और बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको जो है ये होस्ट बना देता हूँ सेशन का। और अब जब तक वैद्य जी यहाँ ज्वाइन करेंगे तब तक मैडम जी से आप सवाल पूछिए और आप अपने अपने क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करिए। धन्यवाद मैडम, आप होस्ट हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। आप, मैं रिपोर्ट भेजा था वो ना राधिका का, देखा था? जी 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 जी। हाँ, उसमें क्या लाइन ट्रीटमेंट रखा है मैम? अभी तो उसको दर्द हो रहा है थोड़ा सा। हेलो। हाँ मैम, उसी वाले पेशेंट का नाम बताइए जी। वो राधिका का भेजा था मैडम ना, पीसीओडी आया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तो कहाँ दर्द बता रहे हैं पेशेंट, किस जगह? पेट के निचले हिस्से में था, तो उस दिन मैंने बस्ती दिया, ठीक था। तो मैं से तो अभी 15 दिन तो लेट ही हो गए हैं, ठीक ना? अच्छा अच्छा। तो कल मैंने, आपने बोला था यूजी कराने को। हाँ, तो हाँ, मैंने कराया तो पीसीओएस आया है। अच्छा अच्छा, मैंने रिपोर्ट भेज रखा है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अच्छा, वो उसका पूरा नाम क्या है पेशेंट का? राधिका मिश्रा। राधिका मिश्रा। अच्छा, राधिका मिश्रा। और उसकी ओवरी की थिकनेस कितनी है? वो सॉरी, एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी है? एक मिनट देख के बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए। बाइलेटरल पीसीओएस आया है जी। यूट्रस नॉर्मल साइज है जी, 7x8x4 cm। एंडोमेट्रियम थिकनेस 12 mm। अच्छा, इससे पहले कब कराया था अल्ट्रासाउंड, याद है आपको? इससे पहले मैम हम लोगों ने कराया था 3-4 महीने पहले। अच्छा, वो रिपोर्ट मिसिंग है, दिख नहीं रही है, खोजना होगा मुझे। हाँ, बोथ ओवरी साइज अपना राइट में आ रहा है 13.4 सीसी वैल्यूम और लेफ्ट आ रहा है 15.4 सीसी वैल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है सर। और उसके अलावा आरबीएस वगैरह का है इसके पास कुछ? मैट आरबीएस हुआ है इसका? मेरी वाइफ ही है। हाँ हाँ, नहीं तो आपने कभी तो कराया होगा ना, मतलब मेरा यही पूछने का है। ये करवाया था ना, इसका ना हीमोग्लोबिन 10.5 ही रहता है। अच्छा अच्छा, 10.5, अभी तो 11.5 है, इससे पहले। और शुगर, शुगर लेवल? शुगर ठीक है मैम, शुगर नहीं होगा। शुगर लेवल नहीं, ठीक ठीक है सर। तो इससे पहले की हिस्ट्री बताएंगे कि इससे पहले कभी इस तरह से हुआ है क्या? मैम इसको पहले था ना, बताया था इसको पहले भी हिस्ट्री में था कि शादी से पहले इसको पीसीओएस था, पीसीओडी काफी अच्छा था, जो एलोपैथ दवाइयां चली तो जिसके वजह से इसका सिस्ट बढ़ गया और काफी फेशियल हेयर ग्रोथ हुआ और एब्डोमिनल हेयर ग्रोथ हुआ और काफी स्ट्रेस में थी इसके इसकी हाँ, इसके वजह से। सर फिलहाल अभी, हाँ अभी हमें ना इसमें बस्ती करना चाहिए, अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा बस्ती कर्म करना चाहिए और बस्ती कर्म के लिए थोड़ा सा आर्तव जनन औषधियाँ अभियंतर देना है और बस्ती कर्म करना है। तो सहचर आदि तेल से? हाँ, कुछ आम वगैरह के सिम्टम तो नहीं मिल रहे हैं किसी तरह से? डाइजेशन आम जी? अभी जैसे मैंने ना इसको ना, हमको जैसे बात हुई थी सर से भी, अरविंद सर से और आपसे भी, तो इसको बोला गया था ना, आपने बताया था कि इसको बमन अभिरेचन करना है, तो हमने अभी बमन, अभी कल से हमने तो स्नेह पान करा, तो स्नेह पान इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जी। ठीक ना, क्या दिया था आपने स्नेह पान में? क्या दिया था? पंचदेव घृत दिया था मैम। अच्छा, कितनी मात्रा में दिया था? मैंने कल इसको 25 ml दिया था, आज इसको 40 ml दिया था। अच्छा अच्छा, तो उसको पीने के बाद इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना ज्यादा? वॉमिटिंग प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा पेट नहीं साफ हो रहा, अभी इस समय पेट में दर्द बता रही है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। उसमें ना अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं जनरली ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा निशोथ चूर्ण ऐड कर दीजिए या फिर आरगवत कषाय, ठीक है? हाँ, निशोथ चूर्ण जो है इनको दे दीजिए या फिर आरगवत कषाय दे दीजिए मॉर्निंग टाइम में ही। और इवनिंग में इस समय त्रिविध दिया था इनको, त्रिविध स्नेहम चल रहा है अभी, अभी फिर चलाना पड़ेगा, रात में सोते समय त्रिविध स्नेहम भी दे सकते हैं। दिया था मैंने एक चम्मच अभी। कब? अभी दिया है? हाँ, अभी 6 बजे दिया था।
ठीक है सर, तो फिर अभी उसके उसका इफेक्ट तो अभी हमें रात में देखना है ना, कल मॉर्निंग तक ही आए। ठीक है, निशोथ, अगर निशोथ 1-2 ग्राम। हाँ सर, कितना वेट है? 57 होगा वेट? हाँ इनका है मैम 59-62 करीब। हाँ, तो अभी आपने आपने जो दिया है, जैसे कह रहे हैं त्रिवृत्त स्नेहम दिया है, कितने कितनी मात्रा में दे दिया है? मैंने 1 चम्मच लगभग 10 ml, दो ढाई हाँ दस 10 ग्राम, एम 10 की 5 ग्राम होगा। हाँ तो 5 ग्राम आपने वो दिया, तो कम से कम 3 ग्राम चून दीजिए। ठीक है, निशोध तीन का ग्राम 3 ग्राम जी, और गुनगुने पानी से दीजिए। हम्म। ठीक है सर, अभी जैसे अब आप करा ही रहे हैं, तो पहले एक बार थोड़ा सा स्नेहन करा लीजिए इनका, है ना? स्नेहन करा तो के फिर हल्का इसी से चंदन करूँ, करा के। पंचतीर्थ घृत से ही करूँ ना, क्योंकि हाँ, आप पंचतीर्थ घृत से स्टार्ट कर दिया था, तो पंचतीर्थ घृत इनको से आप पिंपल यौन करेंगे। पीड़िका ज्यादा हो रही थी अभी ना, इसलिए मैं हाँ इनसे हाँ रुका शोधन है। शोधन हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। ठीक है, और और इनको बीच में क्या थोड़ा सा खाने से पहले आरोग्य वर्धनी भी स्टार्ट कर दीजिए, खाना आरोग्य खाने से पहले वर्धन? सुबह शाम। ठीक है जी सर। अच्छा, और हाँ इनको रज प्रवर्तनी वटी वटी ये देना, जैसे मैं 10 मूल और अशोका भी दिया था ना पिछले, 10 मूल अभी और ऐसे भी अशोका। अभी मेरे हिसाब से खाने से पहले आरोग्य वर्धन दीजिए, खाने के बाद काशनार दीजिए, और साथ में अभ्यारिष्ट और अशोकारिष्ट मिला के दीजिए, या अभ्यारिष्ट के साथ पूरा कुमार्यासन मिला के दीजिए। मैंने अभयारिष्ट और अशोकारिष्ट वो दिया था, 10 मूल अरिष्ट। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी चला सकते हैं, क्योंकि बात का अनुगमन होगा और जो पेन हो रहा है उसमें भी इसको आराम मिल जाएगा। ठीक है सर, इतना चलाइए। अब जैसे अब आपने इनको ले लिया है, तो थोड़ा सा आप इनका पहले वमन विरेचन वस्ती कराइए प्रॉपरली, अगर उसमें बात का अनुलोमन होगा तो पीरियड्स खुद ही आ जाएंगे, थिकनेस बहुत अच्छी है, और अगर नहीं आते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट उसके लिए बताएंगे, क्योंकि जो बस्ती करना होगा तब बस्ती के लिए फिर थोड़ा सा इनकी कल्पना बताएंगे अभी तो, क्योंकि वमन विरेचन तो करना ही है पहले, फिर ही आप बस्ती पे आएंगे ना, तो पहले वमन अभी तो बस्ती विरेचन। नहीं देना, अभी तो बस्ती नहीं देना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी स्नेहन तो शोधन। हाँ उस दिन इनको दर्द ज्यादा था, इसलिए मैंने सहचर आदि तेल का बस्ती दिया था, आराम हो गया था। जी सर, ठीक है, अगर ज्यादा लगता है तो हल्का सा स्नेहन दे ही रहे हैं, तो हल्का स्वेदन किया जा सकता है, वो भी हॉट फर्मेंटेशन किसी पानी की बोतल से या वो कांच कपड़ा। की बोतल से भी, कांच की बोतल से किया था अभी। हाँ अच्छा रहेगा वो, उससे इफेक्ट होगा, वही बेस्ट है सर। अब हम चलते हैं तो पूरा प्रॉपरली चलते हैं इस केस में। ठीक है, ठीक, तो और इसमें खाना अभी पीने का मैं हाँ पथ्य पथ्य का थोड़ा विचार करिए। इनको स्नेहपान जो कराऊं उसको बमन कराऊं कि विरेचन कराऊं मैम? बमन अगर ये ले सकती हैं तो इनको बमन करा दीजिए, अगर कर आ करा, थोड़ा सकती है। हाँ अच्छा रहेगा सर। ठीक है, परेशान करती है मृदु इतना, मृदु मृदु बमन कराइए, ज्यादा नहीं, मृदु बमन कराइए। तो क्या दूं मित्र बर्मन, क्या इनको दूं? अभी आप स्नेहन कराइए एक दिन, अभी 3 दिन तक स्नेहन कराइए, अभी हम लोग रोज ही बात कर रहे हैं लगातार। ठीक है, हाँ उसके बाद इनके सिम्टम्स के हिसाब से उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट मधुएष्टि फांड से ही करा देंगे इनको, उसी से कल हो इनका जाएगा। तीसरा दिन है स्नेहन का। हाँ स्नेहन का 3रा दिन है, तो इनको इनको मतलब अब क्या अनिच्छा हो रही है स्नेह से, कि अभी इनका मन है कि एक दो दिन नहीं ले सकती नहीं हैं? नहीं अभी अभी हो जाएगा मैम, क्योंकि इनको डकार बसा रहा है, अनिच्छा कुछ नहीं हो रही, डकार एक्चुअली हाँ, तो ऐसे अभी कि एक दो दिन स्नेहन पे रखने के बाद मधुएष्टि फांड में। ठीक और है, स्किन अभी इनकी ड्राई है, बहुत स्किन बहुत ड्राई है, पिछले इसीलिए सचरा अभी हाँ हाँ आप बस्ती 7 days तक कर सकते हैं। दिया, मात्रा बस्ती दिया था तो निकला ही नहीं एकदम कुछ, एकदम स्किन बहुत ड्राई है मैम। जी, तो अभी स्नेहन करिए पहले, सम्यक स्निग्ध के लक्षण आ जाएं, उसके बाद फिर आप आगे चलिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अरविंद सर आ गए हैं, मैंने सर को होस्ट बना दिया है, सर आपका स्वागत है, सर आइए आप। हेलो अरविंद सर, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम मंजन हाँ प्रणाम मैम, प्रणाम जी जी मैम। मैम, आपसे मैं पहले एक लीम्फ इश्यूज का केस डिस्कस किया था मैम। हाँ मैम एक्चुअली आई वाज हैप्पी लाइक शी वाज नॉट गेटिंग पीयर्स फॉर 8 to 9 months एंड इट जी वाज अबो लाइक शी वाज आफ्टर ट्रीटमेंट शी वाज गेटिंग पीयर्स फॉर 40 days मैम। दिस टाइम शी हैज गॉट द पीयर्स फॉर 32 days। आई वाज डैम हैप्पी एक्चुअली। शी थैंक यू वॉज मैम, लाइक आप गाइड किया था मैम, बहुत थैंक्स मैम। सक्सेस मैम, आपको सक्सेस, सक्सेस आपको केस की सफलता के नहीं लिए, मैम केस सक्सेस के लिए कंग्रेचुलेशन मैम। अच्छा लगता है मैम, मैम सबका भला होना एक्चुअली चाहिए। जी एक्चुअली बाय हियरिंग अमर अपडेट हो रहा है ना मैम, और जी लाइक जी बाय हियरिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट इट विल बी वेरी नाइस मैम। थैंक यू मैम। नसिया में एक ब्राह्मी रुता का स्टार्ट किया था, बट शी वाज एक बार फील मैडम, अजीब से विन्यासा मैम, विन्यासा मैम, एक बार केस को आप एक फिर से बता दीजिए, सब लोग को पता चल जाएगा क्या केस था, क्या ट्रीटमेंट दिया गया, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है मैम। ओके ओके मैम जी जी ओके मैम। और 1 मिनट मैम, टीवी ऑफ। लीन जी पीसीओस का केस था वो, जी लीन पीसीओस का केस था। और उसमें उनको पहले व्हेन शी हैड कम टू मी शी वाज नॉट गेटिंग द पीएस फॉर 1 ईयर मैम।
1 year पहले she was in HRT hormone replacement therapy she was in there like after taking lot of treatment she had approached पहले मैं 1 year के बाद स्नेहा किया था स्नेहा 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 एक हिंदू कांत गिरता स्टार्ट किया था उसके बाद विदा भी आदि गिरता पहले 2 month ऐसे किया था 2 month के बाद उनको प्रिया आया फर्स्ट टाइम सर फर्स्ट टाइम मैम हेलो जी जी मैम मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं मैम बट नहीं आप अच्छा बोल रहे हैं और आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इतना सब लोग समझ जाएंगे okay. आप इंग्लिश में अगर आपको इजी लग रहा है तो कंफर्ट कर गए तो इंग्लिश में बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं जी ఇందుకంత గృత ఐ స్టార్ట్ ఇందుకంత లేదా షీ గోట్ పీరియడ్స్ విత్ ఇన్ లైక్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ స్పాటి మ్యామ్ లైక్ షీ డిడ్ గెట్ అ హెవీ బ్లీడింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ 4 to 5 days ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ స్పాటి దట్ వాస్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హర్ బిఫోర్ అండ్ షీ ఇస్ డామ్ లీన్ మ్యామ్ షీస్ లైక్ స్కెలిటన్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్ ద కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ ఆల్ ఐ వాస్ గివింగ్ చిత్రక గ్రహతి అది కషాయ సుకుమార బోత్ ఈక్వలీ అండ్ పుష్ప ధన్వరస ఏ కన్నులమ్మ और उसके बाद में 1-2 months आई डिड सेम थिंग आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ब्राह्मी ग्रुप विथ कषाय आई शुड टेल हर टू मिक्स मैम चित्रक ग्रंथि एंड सुकुमार कषाय आई शुड मेक टेल हर टू मिक्स सुकुमार ब्राह्मी ग्रुप और सुकुमार ग्रुप और लाइक विच एवर इट इज अवेलेबल इन अवर हॉस्पिटल इंदुक अंता some brumma yeah. like and even media drug I used to select in that way media one like it should be both in that I selected and after that I should do a renal last 3 months I started like mata basti nahi night mein aap bolte hai na ma 30 ml dalne ke liye oh hello ji 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 oh start kiya tha sacharadi taila se ajmoda shata pushpaini one churna If Shatapushpa Chuna is there, I should like to mix that Chuna with the Thaila and insert the TML. Or Ajamodadi Chuna. Or Abhi se Harvishar se Mangwa ya Mundi Kashaya or Nagakesha Kapkuch. Abhi this month I have given her. But she is happy. But Artava Kshaya is there. Artava is coming in interval. Artava Kshaya, she is getting only 2 days menstruation. For that I have added Manura Vataka. And some what kushanda wale I have added that's it ma'am but bahut acha laga thank you ma'am aapne 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 yukti purvak aapne bahut acche se usko face right treatment diya hai really really ma'am bahut acha treatment aapne diya hai aur isliye itne acche se success mila hai patient ko But after hearing you long time, we feel very happy, ma'am. Actually, I wanted to tell you personally, it is really nice. Every time you talk about any disease, you talk so well, ma'am. Very happy to hear. Thank you, ma'am. Even Arvind sir, too, he guru hai, ma'am. Like, very nice. जी वो सबको प्रेरणा देते रहते हैं ना हम लोग को प्रेरणा उनसे ही मिलती है yes ma'am yes ma'am जी ma'am Thank you. Oh, Abhi, means this month I have started Mundi and Nagakesha. You always tell no, ma'am. Nagakesha to have. I have taken from Arvind sir only. Nagakesha, Mundi, our. Vinayasa ji, namaste, pranam. Doctor Vinayasa ji, namaskar, namaskar sir. Actually, ma'am, मेरे पास patient हैं जो कल श्वेता जी ने दिखाए थे ना cancer के patient जो oral cancer हो गए थे उनके relative हैं तो मुझे इधर भी आना है बात भी करना है patient को counselling भी करना है तो एक चीज विनयसा जी गोरख मुंडी का क्या रिजल्ट है कृपया बताएंगी क्या सर एक्चुअली आई हैव गिवन दिस मंथ सर यस सर दिस मंथ आई हैव गिवन टू अ पेशेंट एंड आई एम टेकिंग पर्सनली सर एक्चुअली एक दिन पहले कितना अच्छा ड्रग सर लाइक वी वोंट गेट सो पोटेंट ड्रग इन कर्नाटक इट वाज लाइक वेरी थिक आई हैड टेकन ओनली हाफ स्पून मेड काढ़ा एंड आई हैड इट इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली Even I have given for my husband also. You have one friend, you see the taste. It is nice. This month I have given. I should see her. When she comes back, I should see her the result. This time I have given her, sir. Actually, ma'am, main jo bhi dawaiyan deta hu na, ek number quality rehta hai. Uska koi challenge hi nahi hai. Aap kahin bhi check kar lo. Itna pure form, itna standard, Gorakhmundi churn kahin bhi nahi milega jo maine diya aapko.
अच्छा है मींस एक्चुअली आई हैड गिवन आई टोल्ड माय हॉस्पिटल पीपल टू मेक ए कषाय सर आई गिविंग 1.5 टीस्पून पहले आई वांटेड टू सी but the rasa was so thick like it was like kirata thick only I thought like they were also telling this drug is thick ma'am it is like I gave for everyone when I made the kashaya I told everyone to take in hospital I want to see the taste so I told everyone so it was sonali ji unhone pucha hai this time ma'am sonali ji ne pucha ki kyon use kiya apne gorakhmundi for what purpose abhi wo PCOS PCOS लीन PCOS था वो ओवुलेशन नहीं हो रहा था ऐसे समझ लाइक अभी वो ठीक हो रहा है बट आई वांटेड टू करेक्ट इन बेटर वे सो गोरखमुंडी वर्क्स वेरी वेल एज अ चाइनो सो गोरखमुंडी विथ सम तिला आल्सो आई हैव टोल्ड तिला एंड नागकेशरा और शतपुष्पा ऐसे मिक्स करके कषाय बनाने के लिए आई हैव टोल्ड हर सर आप लोग जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका फॉलो अप चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या निगेटिव आ रहा है लेकिन बताना जरूरी है कि हमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ ठीक है डॉक्टर रेखा सिंह जी आपके बालक कैसे हैं चिरंजीव डॉक्टर रेखा सिंह जी आप सुन पा रही हैं क्या शायद सुन नहीं पा रही हैं एक फॉलो अप देना है मुझे वो पेशेंट आईवीए प्लस एल में है ना अपना अरविंद सर हाँ जी बताइए मिश्रा जी हाँ तो अभी मात्रा बस्ती शुरू किया मैम ने बताया था ना कंगना मैम ने वो आईवीए प्लस पेशेंट हाँ उसको स्कैनिंग के लिए जाना है 19 तारीख को ना जी. तो मैम ने बताया था बड़ा तेर का 60 ml तक आप मात्रा बस्ती देना शुरू करो तो कर रहा हूँ ठीक है सर बहुत बढ़िया मैं बताऊँ सर एक फीडबैक ये बताऊँ मानने को तैयार नहीं है क्योंकि मतलब मेरी वाइफ की फ्रेंड है सर तो मैंने पेशेंट को जब देखा था तो उस दिन पेशेंट की जो कांति थी सर ना चेहरे की जैसे मानस मिता वटिकम और स्वर्ण बसंत मालती मैंने ऐड किया ना मैम ने बताया था तो पेशेंट की कांति और में फर्क आया है जो मुझे नाड़ी में तो सर कांति में आया इंटरनली भी आएगा ना तो आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाएगा और नहीं मुझे लग रहा है और दूसरी चीज सर क्या लग रहा है ना कि जो पेशेंट उतना ज्यादा एग्रेसिव था ना मतलब बहुत स्ट्रेस में था वो उस दिन मेरे पास जब आया था 4 अक्टूबर को तो वो कम डाउन मुझे लग रहा है जी. तो अच्छा लग रहा है मतलब ठीक है मुझे और आपको मेन डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन मिला चाहिए कि हमारे पेशेंट को रिजल्ट आया हमने कुछ तो अच्छा दिया आप करिए करिए ठीक है थैंक यू और किसी को डॉक्टर सुधीर साहू जी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए कृपया डॉक्टर सुधीर साहू जी 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 सर सर प्रणाम सर हाँ प्रणाम सर सुबह अष्टांग हृदय के क्लास में मैं केस डिस्कस करना चाहता था हमारी पेशेंट है जिनको अभी 18 मंथ्स प्रेगनेंसी अभी कंटिन्यू है और सर 3D 4D स्कैन में रिपोर्ट आप उनको लेके आने वाले थे हाँ सर वो इस ग्रुप में आ चुकी हैं मैं उनको अभी लिंक दिया था आप लाइए उनको और उनको हम स्पॉटलाइट करते हैं और आप लोग बात करिए तब तक मैं अपने पेशेंट से भी बात कर लेता हूँ मैं अंजना मैम को कोहोस्ट बनाता हूँ और शुक्ला मैम को कोहोस्ट बनाता हूँ जी 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 हाँ क्योंकि मुझे अंजना मैम का जो नेचर है सबसे अच्छा लगता है और एक शुक्ला मैम कितना अच्छे से और कंचन मैम भी बहुत अच्छी है देव दीदी आप ज्वाइन कर लिए तो आप वीडियो ओपन कर लीजिए अपना वो क्या नाम है वीडियो ऑन करेंगे तो मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा देव दीदी है क्या ग्रुप में अभी आप ज्वाइन हो गई हैं हाँ हाँ भैया हाँ आप अपना ना वीडियो ऑन कर लीजिए वीडियो ऑन करेंगे तो स्पॉटलाइट करेंगे फिर केस टेकिंग करेंगे स्टार्ट वीडियो जो लिखा है ना उसको आप टच कीजिए कर लिया इन्होंने कर लिया भैया हाँ अभी इनका केस टेकिंग कौन करेगा कंचन मैम करिए अंजना मैम करिए शुक्ला मैम करिए कोई भी करिए लेकिन अच्छा से करिए स्टैंडर्ड वे से करिए केस टेकिंग करिए प्लीज ठीक है सर मैं ही कर लेती हूँ ठीक आप करिए हेलो मैम नमस्कार नमस्ते मैम क्या हुआ आपको प्रॉब्लम क्या है कितने दिन हो गए शादी को मैम आपकी मैरिज जी 5 साल हो गया मैम अच्छा 5 साल हो गया मैरिज को आप मतलब घर क्या क्या पढ़ाई की हो घर पे रहते हो कि बाहर
हाउसवाइफ हो कि मैं जॉब करती हूँ मैम। अच्छा, क्या जॉब है आपका मैम? बीएसएफ में हूँ। अच्छा, बीएसएफ में। तो अभी अभी आपके पास कोई इश्यू नहीं है? बच्चा है कोई? नहीं 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 है। फर्स्ट बेबी मेरा हुआ था लेकिन नहीं रहे। अभी सेकंड टाइम है मेरा प्रेगनेंसी का, तो अभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर मुझे बता रहे हैं, तो उसी के लिए आप लोगों से बात करने के लिए जुड़ी हूँ। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो पहले बेबी की बात आपने बताई, वो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? कितने दिन पहले हुआ था? सिक्स मंथ में ब्लड सप्लाई बंद हो गया बोले डॉक्टर से, मतलब बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है और पेट में पानी बिल्कुल सूख गया है बोले। तो सेवेंथ मंथ के बाद में एट मंथ स्टार्ट हुआ था, वैसे ही उसको सीजर करके निकाल लिए थे। जी, तो बेबी का ग्रोथ भी नहीं हुआ था ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से। जी, ये कितने दिन पहले की बात है मैम? ये 2020 मई में हुई थी मैम। अच्छा, उसके बाद मैम जब बेबी निकल के आया, उसके बाद आपने किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन लिया और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया? नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे मैम, सीजर से निकाले थे। 13 दिन तक मेरा बेबी था वहाँ पे हॉस्पिटल। जी, नहीं मैम, मेरा मतलब था कि जो मतलब हुआ, बेबी नहीं बचा पाए, आपका ऑपरेशन भी हो गया, फिर आप घर आए, देन उसके बाद जैसे होता है ना कि आप फॉलो अप में रहें, या जो ये कॉज था, इस कॉज के लिए अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उससे पहले कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने लिया क्या? हाँ, मैं डॉक्टर दिखाई थी मैम। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने तो अभी बेबी लेने के लिए मना किया था क्योंकि अभी मई में हुआ था सीजर मेरा, इसलिए। लेकिन हम लोग ले लिए, अभी बेबी प्लान हो गया है। असल में मुझे थैलेसीमिया भी है मैम। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी, थैलेसीमिया कब डायग्नोस हुआ आपका? मेरा पहले बेबी के टाइम पे ही पता चल गया था, टेस्ट हुआ था, उसमें माइनर है थैलेसीमिया, माइनर है। अच्छा, ओके। देन अभी आपका जो प्रेगनेंसी है, कौन सा टाइम चल रहा है प्रेगनेंसी का? क्या किस लास्ट डेट क्या थी प्रेगनेंसी की आपको, मतलब कब पीरियड दिखाया था आपको? 5 जुलाई का। ठीक है, देन आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस मैडम ने वहाँ पे कराए हैं, डॉक्टर ने आपको देखा है? तो अभी तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मैम, लेकिन अभी जो ब्लड टेस्ट हुआ है मेरा, उसमें मतलब कुछ इशू हो रहे हैं, तो मैं वो रिपोर्ट भी भेज चुकी हूँ। जी जी, अंजना मैडम के लिए बात करना था। तो जी, अंजना मैडम, अभी एनोमली स्कैन हुआ है इनका, 3D 4D। एनोमली स्कैन में रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है कि भविष्य में एक बच्चे के कार्डियक एक्टिविटी के लिए एक उन्होंने ऐसा दिया है कि भविष्य में कार्डियक एक्टिविटी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, और एक फिजिशियन को दिखाने बोला गया है। और इनका जो GTT है मैडम, उसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो थोड़ा सा रेज्ड है, मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ मैडम। और इनका अभी मेडिसिन चल रहा है मैडम, इकोस्प्रिन 150 mg का चल रहा है, 4D। जी जी, और टैबलेट कॉरिकम D3 ये चल रहा है मैडम, और प्रोविल DHA पाउडर चल रहा है जी, और एक टैबलेट Q4 लिक ऐसा एक मेडिसिन चल रहा है, मुझे इसका ड्रग पता नहीं क्या है जी। और मैडम बेसिकली इनको वही इकोस्प्रिन ही डॉक्टर सभी 150 mg का लेके चल रहे हैं जी। ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है इनका? ब्लड प्रेशर 107.75 है मैम, अभी रिसेंटली है। अच्छा, और जो आपने बताया सर कि जो शुगर के बारे में आपने बताया, उसकी रिपोर्टिंग जरा बताइए मैडम। का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है GTT आफ्टर 2 आवर्स 158 आ रहा है मैडम। अच्छा, और इससे पहले वाला मैडम अभी मैं आया, ये पहली बार ये इंक्रीज्ड मिला है। फास्टिंग में 81 है मैम। हां, और उस 1 आवर के बाद आफ्टर 2 आवर्स बाद ये थे। हाँ, नहीं, अच्छा, पहले जी बस फास्टिंग किया, उसके बाद 2 आवर्स के बाद ही किया जनरली। दो बार लेते हैं ना ये लोग, एक ही बार लिया। ठीक मैडम, आप सर इनका ना HbA1c कराना पड़ेगा, ठीक है? जी जी हाँ, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड लेवल जानना चाहेंगे तो हमें HbA1c चाहिए ही चाहिए। आपका आप मैम क्या क्या आपका जो डाइट शेड्यूल जो है ना आपका, वो किस तरह से है? आप कितने बजे उठते हो, क्या क्या डाइट में पसंद करते हो, एक बार हम लोग को थोड़ा सा आइडिया चाहिए। जी मैम, 2 मिनट और बीच में बोलूंगा मैम। पस सेल्स भी हैं यूरिन में। अच्छा, 25% दिखा रहा है इसमें जी। और रेस्ट मैडम फिर रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन 10 ग्राम है जी, और ESR मैडम 40 दिखा रहा है अभी, ESR लेवल जो है 40 का दिखा रहा है। रेस्ट मैडम बाकी फिर रिपोर्ट्स जो है वो ठीक है।
ब्लड यूरिया वगैरह एक बार हुआ है सर? ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह हुआ है? ब्लड ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन का रिपोर्ट इसमें नहीं है जी। अच्छा जी जी इसमें मैडम इनके 3D 4D स्कैन में इन्होंने कहा कि फीटल कार्डियक इकोकार्डियोग्राफी वुड बी वर्थ वाइल टू रूल आउट एनी कार्डियक एनोमली, अ सेकंड ओपिनियन मे बी टेकन टू रूल आउट एनी कॉन्जेनाइटल एनोमली। जी जी ठीक है सर। वो तो वो एक्चुअली क्या होता है कि अब जैसे इनकी एक हिस्ट्री है और दूसरा ये लोग भी जो है रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी अपने को बचाने के लिए मतलब इस तरह से लिखते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि हम कभी कोर्ट में केस जाएगा या जाएगा तो उनके पास कुछ पॉइंट्स रहने चाहिए। तो मैंने देखा है कि वो 70-80% में इस तरह के जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होते हैं उनमें इस तरह से वो ऐड करते हैं। और हमको भी कंजेनिटल एनोमली को जो है एक बार देखना तो पड़ेगा ही क्योंकि उन्होंने बोला जरूर है, लेकिन हमें ऐसे केसेस में क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनका एक टॉर्च टेस्ट भी आपको कराना चाहिए। इनको तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसके बाद ही इनको सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लेने चाहिए थे जो मदर के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लेकिन उस समय नहीं हो पाए क्योंकि क्या होता है जब पहले डिलीवरी के बाद फिर अगर सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है तो जो बीच का टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और उस टाइम में अक्सर पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। उस टाइम में पेशेंट को रिलैक्स नहीं होना चाहिए था। तो इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग आज के लिए सोच रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन हमारा HbA1c था या हमारा टॉर्च टेस्ट था या फिर किसी तरह का भी वायरल HbSAg, HIV ये सारे इन्वेस्टिगेशन तो हुए होंगे हमें लगता है वायरल मार्कर इनके। वायरल मार्कर्स नॉर्मल है मैडम वो हुए थे जी। ठीक है मैम आप इसको परेशान मत होइए, हमें हमें थोड़ा डिस्कशन करना रहता है पॉइंट्स पर इसलिए हो रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं मैम, लेकिन मेरे टॉर्च टेस्ट भी हुए थे मैम वो भी नॉर्मली आया था। कब हुआ था मैम? कब हुआ था ये? प्रेगनेंसी से पहले हुआ था मेरा, मैं दिखा रही थी गायनो को ना वो करवाई थी। अच्छा अच्छा ये मतलब पहली प्रेगनेंसी से पहले कि इसी से पहले? सेकंड प्रेगनेंसी से पहले। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा है मैम, बस यही जानना चाह रहे थे वो एकदम नॉर्मल था तो अच्छा है। हमारे लिए क्या है ना प्लेटफॉर्म अल्लाह कहते हैं ना क्लीन है नीट है, वरना हम लोगों को डाउट रहता है कि ये टेस्ट नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर ये हो चुका है तो बहुत बधाई आपको कि ये निगेटिव है तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। जनरली कभी नॉर्मल हुआ तभी डॉक्टर ने मुझे प्रेगनेंसी का सजेशन दिया था इसलिए हम लोग प्लान किए। अच्छा तो HB मैडम आपका पहले वाले प्रेगनेंसी में भी कितना था, कितना तक रहा था? ऐसे 10-11 ही रहा है मैम। अच्छा तो ये स्टार्टिंग में जब इस बार प्रेगनेंसी आई थी फर्स्ट टाइम फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में आपने HB कराया होगा पहले भी तो तभी भी इतना ही था? 10.6 है। अच्छा पहले वाले में जी अभी 10 आया है ना? अच्छा जी मैम जी। तो और इसके अलावा आप बताइए मैम आपको अब क्या क्या फीलिंग्स होती है, क्या क्या कुछ मूवमेंट वगैरह पता चलता है आपको बेबी मूवमेंट? जी मैम अभी हल्का हल्का पता चलता है मूवमेंट मुझे और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे जी। मोशन वगैरह कैसा है आपको, लैट्रिन वगैरह कैसे आता? वो भी नॉर्मल ही है मैम। अच्छा डाइट बताइए क्या क्या लेना पसंद करते हैं सुबह से शाम तक आपको, आपको क्या अच्छा लग रहा है? मैम मैं सुबह में रोटी खाती हूँ रोटी के साथ, उसके बाद में मैं ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिस में फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ और दोपहर में चावल खाती हूँ, फिर शाम को फ्रूट लेके जाती हूँ और अंकुरित बीज वगैरह लेके जाती हूँ चने मूंग वगैरह, फिर शाम को फिर रोटी नाइट में। अच्छा और रोटी के साथ आप सब्जी वगैरह लेते होंगे ना? जी मैम सब्जी भी खाती हूँ। तो जनरली आप मॉर्निंग में जो दूध वगैरह कब लेते हैं फिर? दूध नाइट में सोने से पहले। अच्छा इसी तरह की डाइट चल रही है आपकी? जी मैम कंटिन्यू ऐसे ही चलता है। अच्छा और इसके अलावा जो है कितने कितना टाइम का आपका जो है वो वर्किंग आवर्स कितने टाइम के लिए होते हैं? मॉर्निंग 9 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक है मैम, उसके बाद में बीच में ऑफ रहेगा, उसके बाद में शाम को 4 से 7 बजे तक। अच्छा तो इतने बीच में जो आपको मिलता है 1:30 से लेकर 4 तक के बीच में कभी थोड़ी बहुत देर के लिए आप लेट पाते हो क्या? हाँ मैम थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ जब आती हूँ वहाँ से तो खाना खाने के बाद में। कितना डिस्टेंस है घर से ऑफिस में, कैसे जाते हो आप? स्कूटी से 10-15 मिनट लगता है बस, 10 मिनट। अच्छा अच्छा तो सबसे पहले तो आपको जो और इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम और लगती है, कुछ और प्रॉब्लम भी लगती है? नहीं मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ थोड़ा मेडिटेशन वगैरह के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं मॉर्निंग में?
मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठती हूँ तो थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए चली जाती हूँ, और कोई दिन उठने का मन नहीं करता है तो नहीं उठती हूँ। नहीं, अगर आप वॉक नहीं करने का मन करता है लेकिन आप थोड़ा सा उठ के बेड पर ही बैठ जाइए, और बेड पे बैठने के बाद थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं ना वज्रासन में बैठ जाइए, अगर वज्रासन में आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप सिंपल पलौथी मार के बैठ जाइए, और एकदम जैसे कहते हैं ना कमर एकदम सीधा करके 90 डिग्री का एंगल बनाइए अपने पलौथी में, पलौथी मार के घुटनों के साथ उसमें, और ओम का जाप आपको बहुत जरूरी करना है मैडम। ठीक है, आप चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करिए लेकिन आप इतने इतने अच्छे से ओम का जाप करिए, थोड़ा डीप से करिए, आप वीडियोस देखिए ओम के जाप के, और वो जाप आपको करना ही चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, देखिए मैं करती हूँ, मैं सुबह उठ के योगा करती, पहले वॉक करती थी फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत योगा करती थी, अनुलोम विलोम वगैरह, उसके बाद ना ओम जाप करती थी। अभी छोड़ लिया क्या? कुछ दिन से नहीं छोड़ी नहीं हूँ, कुछ दिन से यानी कि थकान सा फील होता है इसलिए सुबह मॉर्निंग में सो जा रही हूँ, उठ नहीं पा रही। वो मैम जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे लगेगा, लेकिन सुबह की जो हवा होती है ना जिसको हम लोग प्राण वायु का नाम देते हैं, वो आप अगर एक ओम का जाप करोगे और प्राण जैसे आपने काम करते थे प्राणायाम, ये दो काम आप आराम से करो, उसके लिए स्ट्रेस नहीं होना है, आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन वो जो उस समय का ब्रह्म मुहूर्त की जो हवा होती है ना वो अगर आप डीप डीप लोगे ना तो आपके सारे कहते हैं ना बॉडी के सारे रंध्र खुल जाएंगे और आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको पूरा दिन बहुत अच्छे से रहेगा। स्पेशली जो आप करोगे वो आपके अंदर जो गर्भ में आपका शिशु पल रहा है उस पे उसका पूरा पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप स्टार्टिंग ही ऐसे करिए जैसे कि आपको लगे कि अब मेरा जो जो हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो माता करती है आपका सारा का सारा इफेक्ट आपके बच्चे पे जा रहा है। तो आप सबसे पहले जब सो के उठिएगा तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें जो है प्राणायाम करना है, हमें जाप करना है, और वो हमें ऐसा नहीं कि वो बर्डन नहीं है, हमें उधर कंसंट्रेट होना है कि हाँ ये मेरे बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है मैम, देन जैसे आपने कहा कि आप सुबह जब उठ जाते हो, उठने के बाद थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से क्या किया करो कि आप थोड़ा लिक्विड चीजें नहीं ले पा रहे हो, जैसे आपको मेरे हिसाब से जैसे मुनक्का आप जानते होंगे, आप छुआरा जानते हो? लेती हूँ मैम, मुनक्का लेती हूँ। कैसे लेते हो? रात में भिगो के रख देती हूँ, सुबह खाली पेट में खाती हूँ। हाँ, और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा जो है वो डेट्स वगैरह भी ले सकते हो, खजूर वगैरह भी ले सकते हो। जैसे आप ड्यूटी आवर्स में जाते हो तो आपको एनर्जी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देने वाले के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डिमांड है, है ना। और एक्स्ट्रा डिमांड के लिए आपको जो भी चीजें जो भी खाने में आपको आयरन बढ़ता है वो वाले सामान लेना है, तो उसमें आपको खजूर लेना है। खजूर को आप चाहे दो ही खजूर को भिगो दीजिए, उस खजूर को अच्छे से आप पानी के साथ मसल दीजिए और उसको अच्छे से आप लीजिए। आप अपनी डाइट एकदम निर्धारित कर लीजिए कि मुझे 2 से 4 खजूर लेना है, 10 से 15 मुनक्का लेना है। ठीक है मैडम, दूध में मुझे अंजीर डालना है, थोड़ा सा अखरोट, अखरोट की जो गिरी होती है वो बहुत फायदा करेगी इसमें आपको, और वैसे जो मींग आती है ना खरबूज के बीज की मींग, तरबूज के बीज की मींग, वो भी आपको खाना चाहिए, क्योंकि जो मंथ आपका चल रहा है उस समय हमारे हिसाब से जो होता है चतुर्थ हृदय पंचमे मना षष्ठ बुद्धि, तो चतुर्थ पंचम और षष्ठम मास हमारे गर्भ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आपको वहां पर उनको वो देना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने कहा कि हम फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स में आपको दाड़िम का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, थोड़ा मौसमी या संतरे का जूस भी थोड़ा सा आपको ज्यादा लेना चाहिए, उसके अलावा आप लेमन जूस को चाहे मतलब पूरा लेमन आपको नहीं लेना है लेकिन जैसे आप दाल ले रहे हो, आप सब्जी ले रहे हो तो उसमें 2-3 ड्रॉप लेमन जूस की भी जरूरत से डालते। ठीक है मैम, तो थोड़ा सा जी आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा एड ऑन करते रहना है कि जो भी आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशनल है और आपको पॉजिटिविटी, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो आपने सब काम किया आप किचन में जाते हो तो आपको कुछ उस तरह के मंत्र लगा देना है जो भी आपकी क्षमता है ना, और वो मंत्र जब तक आप घर में रहते हो वो आपके आसपास गूंजने चाहिए, क्योंकि जो भी वाइब्रेशंस जो भी आपके पास जाएगी आपके कान के थ्रू वो आपके बेबी को बहुत ही फ्रूटफुल होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जिस चीज पे कंसंट्रेट होते हो, जैसे कि आपको लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है तो आप तुरंत उसको सोचो कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा इसी मेडिटेशन का यही कारण है कि आप अगर निगेटिविटी लेके आओगे तो आपको फिर उस तरह की फीलिंग होगी,
तो आपको हीमोग्लोबिन आपको रेज करना है। तो जैसे कढ़ाई में हम लोग कहते हैं कढ़ाई में बनी हुई सब्जियां ज्यादा लीजिए, सूप वगैरह ज्यादा लीजिए, है ना, और दूध में अंजीर वगैरह ज्यादा लीजिए, मुनक्का और जो मैंने बताया ये सब आपको बढ़ाएगा, अनार भी बहुत अच्छे से बढ़ाएगा और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो भी बढ़ाएगा। थोड़ा सा आपके पास हमेशा के लिए हम लोग बताते हैं सौंफ को आप पीस के रख लीजिए, उसमें मिश्री मिला के रख लीजिए, वो आपके पास आप ड्यूटी पर जाते हो वो भी आपके पास डिब्बे में रहना चाहिए, आप हर आधे घंटे के बाद सौंफ और मिश्री को ले सकते हो, वो बहुत एनर्जेटिक रहेगा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आपके माइंड में कभी भी ग्लूकोज की जैसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज का लेवल एकदम मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, और फिर कुछ हम मेडिसिन से अभी हम लोग और बात करते हैं, और भी डॉक्टर्स अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर अभी हम लोग डिस्कशन करके डॉक्टर्स को आपके डॉक्टर सबको बताएंगे, फिर आपको कुछ मेडिसिन भी हम आयुर्वेदिक से ऐड करेंगे। जी आकांक्षा मैम थोड़ा सा कुछ बात कीजिए जी। हेलो हेलो नमस्ते मैम। हाँ मैम पूछिए जी। मैम आपने तो सभी एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअली। नहीं मैम फिर भी पूछिए कुछ, आप कुछ या, कुछ आइडिया हो रहा तो पूछिए, और बहुत चीजें हैं अभी पूछिए। ओके मैम। मैम मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। हेलो जी मैम। मैम इनको घृत घृत भी खाने में लेना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ अभी कितना, हाँ पूछिए इनसे कितनी मात्रा में आप घी लेते हो, कैसे लेते हो? मैं रोटी के साथ खाती हूँ, मैं थोड़ा लेती हूँ ज्यादा नहीं खाती। लगभग कितना घी आप ले लेते हो दिन भर में? मैं तो आधा चम्मच खाती होगी, मैं ज्यादा नहीं। घी आप कम ले रहे हो, जैसे मैडम ने बताया ना आपको घी की स्पेशली जो घर में देसी घी बनाया जाता है, ठीक है, आपको वही यूज करना चाहिए, और नहीं तो अगर आपको नहीं घर में बना पा रहे हो तो आपको अच्छा घी मिलना चाहिए, जैसे कहते हैं ना शुद्ध देसी घी है उसका आपको सेवन करना चाहिए। और जैसे आपने बताया डॉक्टर अजय सिंह बता भी रहे, और ये भी बात हम कहना ही चाह रहे थे कि जो आप कह रहे थे कि उधर से आके अंकुरित अनाज ले आते हैं, है ना, वो हमारा हमारा जो पैथी है वो कहती है कि आप जो भी खाएं वो अच्छे से पका होना चाहिए, पकाने के बाद बहुत उसमें लघुता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है, तो वो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ यही बताया है कि थोड़ा स्निग्ध होना चाहिए, मतलब उसमें घृत ज्यादा होना चाहिए, चिकनापन होना चाहिए, और उसके साथ में उसमें लघुता होना चाहिए और थोड़ा मधुर भी होना चाहिए, मीठापन भी होना चाहिए। तो जो ये आप अनाज वाला बता रही थी कि अंकुरित अनाज आपको अच्छा है, लगता है, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप उसको लेके फिर उसको आप एक बार जो है वेपर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको वेपर देने के बाद ही, हाँ उसके वेपर वेपर दे लें, और वेपर देने के बाद उसमें हल्का सा जैसे मैंने बताया कि नींबू का रस जरूर डाल दें और थोड़ा सा काला नमक डाल दें, ठीक है, और भुना जीरा डाल दें, तो उसको थोड़ा मतलब हम लोग थोड़ा उसको आप अच्छे से कहते हैं ना कि वो आप उसको आपको वो डाइजेस्ट हो जाए, वरना अगर वो अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो फिर आपको सुबह के समय से आप बता रहे कि थकावट महसूस होती है, ये भी एक कारण होता है कि आप रात में वो खाते हो और फिर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसी तरह से कुछ भी कच्चा सामान आप मत खाइए, कच्चा सलाद भी मत खाइए, जैसे ना शौक होता है कि आपने कच्चा गाजर काट के खाया, मूली खाया, आपको खाने का मन है तो उसको एक बार आप वेफर जरूर दे दीजिए उसको, ठीक है, थोड़ा सा तो वो इजिली डाइजेस्टेबल होगा, इसलिए कहते हैं। एक्चुअली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है और थोड़ा सा मोशन कम जो है वो कॉन्स्टिपेटेड रहती है पेशेंट, तो हम लोग को शेड्यूल इस तरह से बताना पड़ता है। जी सर और बताइए सर पूछिए। जी सर एक पॉइंट आया घृत को आपको अपने हिसाब से थोड़ा मात्रा बढ़ाना है जब तक आपको लगे कि हाँ ये, और आप लेंगी ना आप अभी आप आधा चम्मच लेती हैं, धीरे से आप पहले एक चम्मच कर दीजिए, आप दाल लेती हैं दाल में मिला लीजिए, थोड़ा रोटी में अलग से लगाइए दाल में मिला लीजिए, आपको खुद अच्छी फीलिंग होगी, फिर आप शाम के खाने में भी मिलाइए, ठीक है मैम, ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा और आपके बच्चे के लिए वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। हेलो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं? पूछिए मैम पूछिए पूछिए बात कीजिए मैम। बस मैं एक बोलना चाहूंगी, मैम ने तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया अंजना मैम ने, पर बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी स्ट्रेस आता है आपको तो उसको रिलीव करने के लिए जैसे मैम ने आपको सुबह उठ के प्राणायाम तो बोला ही है, पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी आप सोचो वो एक पॉजिटिव वे में सोचो, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कभी भी हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है, जब भी हम हमारी सोच से
कुछ भी, जैसे हम आपको अगर पॉजिटिवनेस के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप बुक्स पढ़ सकते हो, थोड़ा सिंगिंग कर सकते हो या फिर गाने सुन सकते हो, बहुत सारा मतलब खुद को एंटरटेन करना है, ये चीजें बहुत आपके बॉडी में पॉजिटिविटी लाती है। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम अगर गायत्री मंत्र का उच्चार भी कर रहे हैं तो हम 108 बार करते तो हमारे आजू बाजू में 108 ऐसे चक्र बन जाते हैं कि जो निगेटिविटी को अंदर नहीं आने देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये चीजें मेरे साथ हुई हो चुकी है और ये चीज हो सकती है मेरे साथ, फिर से कुछ बुरा हो सकता है, तो ये चीज दिमाग में लानी नहीं। आपका टायर्डनेस तो ठीक है कि ये प्रेगनेंसी के हिसाब से बच्चा अभी बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से टायर्डनेस तो 100% आता है, पर जब हम मेंटली एकदम रिलैक्स रहते हैं तो ये मेंटल फटीग जब नहीं आता है ना मैम, तो हम 100 चीजें भी आसानी से कर जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे मेंटल फटीग नहीं चाहिए तो फिजिकल फिटनेस एकदम अच्छा रहता है, तो थोड़ा इस बात के लिए सोचना। बाकी तो ट्रीटमेंट पार्ट हम लोग सब डिस्कस करके आपको जरूर बताएंगे। बाकी मैम ने तो बहुत ही अच्छा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा दिनचर्या मतलब कि टाइम टू टाइम खाना खाना है, टाइम टू टाइम सब चीजें करनी, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है जी मैम? ओके मैम, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता? नहीं मैम। और आपका वेट ठीक बढ़ रहा है? वेट बढ़ रहा है मेरा। आपका हर महीने आपका वेट चेक हो रहा होगा, तो आपका जैसे प्री प्रेगनेंसी कितना वेट था? 72 था, नहीं 70 था, उसके बाद 2 मंथ के बाद में 72 आया था, फिर अभी 75 है। 75 है तो आपका वेट। तो कंचन मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिविटी, आप पहली बात तो जो पास्ट है वो पास्ट है, पास्ट आपके हाथ में नहीं है, यू कांट चेंज, बट प्रेजेंट को आप एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो कंचन मैम ने बहुत सही कही, हमारी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में वापस आती है, हमारे थॉट्स ही यानी कि वापस आते हैं। तो आप बिल्कुल पास्ट को छोड़ दीजिए, ये प्रेजेंट आपको मिला है, ये गिफ्ट की तरह, प्रेजेंट का नाम ही है गिफ्ट, है ना? तो उसको गिफ्ट के रूप में लीजिए। पॉजिटिव अप्रोच ऑलवेज, जब भी ओम चांट करें ना, पूरी पॉजिटिविटी अपने बच्चे को नर्चर कीजिए, नरिश कीजिए, है ना? एंड थिंक ऑलवेज की मेरी लाइफ में एक स्वस्थ बच्चा मेरे लेटा हुआ है, always think in that way, and treatment जो suggest करेंगे सारे लोग, आपका diet का जिन्हें मैम ने बहुत अच्छे से explain किया है, please continue that, and किसी को rest को कुछ भी question पूछना है तो please पूछ सकते हैं वो। और भी कुछ पूछिए सर लोग, आप लोग कुछ बात कर सकते हैं, अभी तो बहुत सारे किसी questions queries रहती है mind में, पूछ सकते हैं आप लोग। डाइट पे मैम कंसंट्रेट रहना है आपको, और 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है, मतलब डाइट के रूप में। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा हम सुबह खा के जाते हैं और फिर शाम को खाते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं मैम, सुबह खा के जाती हूँ तो फ्रूट मैं अपने साथ लेके जाती हूँ, वहाँ पे जैसे ही मुझे लगता है कि अब ले लेना, 2 घंटा होता है मेरे जाने के बाद में, 11 बज जाते हैं, तो मैं वहाँ पे फ्रूट ले लेती हूँ, अनार हो गया, सेब हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे फ्रूट मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। बहुत अच्छी बात। उसके बाद में फिर अगर लगता है कि मुझे खाना चाहिए, टाइम हो जाता है, फिर मैं वहीं पे ही ले लेती हूँ ऑफिस में। जी वही मैंने कहा कि इसमें बिल्कुल भी आपको जो है डाइट पे एकदम कहना चाहिए ना, कोई भी कम्प्रोमाइज डाइट पे नहीं चलेगा ना, आपको मुहर मुहर ही लेना है और थोड़ा ही थोड़ा लेना है और डाइजेस्ट भी होना है, और उसका कहना चाहिए कि थोड़ा सा उसमें आप जैसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट बढ़ाना है डाइट में, तो उसमें चेंजेस भी जरूरी होती है डाइट, है ना, कि किस तरह का आपने आज क्या लेना है, कल का मेनू आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, और उसके साथ में आप जैसे अभी आप कॉलेज से आए या आप ड्यूटी से आए, आप थक गए तो थोड़ा सा जैसे हम लोग क्या करते हैं मखाना या तालम खाना जिसे कहते हैं ना, उसको पीस के रख दीजिए आप, थोड़ा सा मिश्री को भी पीस के रख दीजिए, उसको आप मिश्री के साथ जो है वो आराम से मिला के और पानी के साथ मिला के या दूध के साथ मिला के डायरेक्ट एनर्जी आपको देगा। कभी कभी होता है ड्यूटी से आई है तो थोड़ा टायर्डनेस ज्यादा लगती है, तो आपने बस हैंड वॉश की और आपके पास अगर वो पहले से प्रिपेयर रहता है तो आप जल्दी से जल्दी उसको ले सकते हो ना, डायरेक्ट भी आप उसको पानी में मिला के पी सकते हो, आपको एनर्जेटिक रहता है, देन उसके बाद आपने आप नहाने नहा के या चेंज होके आए तब आपने कुछ और से लिया, तो मतलब ये है कि वो जो 10 मिनट 15 मिनट भी आपको अपना जो है मिस नहीं करना है और हाइपोग्लाइसिमिक फेज में नहीं जाना है। और मुझे नहीं लगता कि आपकी शुगर रेज आएगी, फिर भी मैंने बात की है सर से भी, HbA1c हम आपका कराएंगे, ठीक
ठीक है। इस समय हमारे यहाँ एक आप कहाँ पर रहते हो? मैं नया रायपुर में रहती हूँ मैम। किस स्टेट की बात कर रहे हो? किस स्टेट में हो? महाराष्ट्र? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तो उधर आंवला, आंवले का है क्या? आंवला मिलता है मैम, इस सीजन में मिलता है। हाँ तो आंवला आप अपनी डाइट में जरूर क्या करिएगा, ठीक है। यही मैं एक और कहना चाह रही थी, जैसे आंवले में आप दो तीन बातें कर सकते हो। आंवले को आप बॉइल कर सकते हो, बॉइल करके जो है उसका बीज निकाल सकते हो, उसको देसी घी में मतलब पिस्टी बना के उसको मिक्सी में पीस के देसी घी में फ्राई करके उसमें मिश्री मिला दीजिए, ठीक है। और वो आप बहुत अच्छे से अपनी डाइट में, या वैसे भी आप उसको पानी के साथ दूध के साथ भी ले सकते हो। अगर आपको ग्रीन वाला चटनी खाना है तो उसको हरे धनिया के साथ और थोड़ा टमाटर के साथ मिला के हरी चटनी बना सकते हो, उसको आप अपनी डाइट के साथ मतलब खाने के साथ ले सकते हो। तो आंवले का सेवन थोड़ा लीजिए और आंवले का जो है सरस बनाइए। आप थैलेसीमिया के पेशेंट हैं तो वो रसायन की तरह उसको यूज करना है और उसको डाइट का एक पार्ट बनाना है। तो यहाँ मेरा मतलब आप ये पर्सनल वो है कि आप आंवला जो है कम से कम दो आंवला डेली एक साथ नहीं खाना है आपको, रस उसका सरस निकालिए, फिर उसका पेस्ट बना लीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए और उसको आप लेते रहिए, ठीक है मैम। इसको बहुत जरूरी करना है। जी मैम, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं। आपके आपका जो 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 आपको बताना है फिर हम बताते हैं अभी आपको, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब आप नोट कर लीजिए या फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर बताते हैं। जी सर, हेलो, कौन सर लेके आए थे पेशेंट? जी मैडम, जी जी सुधीर सर ना। हाँ तो हाँ बहुत अच्छा केस है, क्योंकि अभी ये उन मॉडर्न ड्रग्स पे डिपेंडेंट है तो हमें एकदम इनके ड्रग्स को हटाना नहीं चाहिए, है ना। अभी नहीं हटाना है, हमें बस क्लोज मॉनिटरिंग में रखना है और हमें एड ऑन करना है। तो उसमें हमें, क्योंकि इस तरह की इनको अभी कोई बहस ही कंप्लेन नहीं है कि बहुत वॉमिटिंग हो रही है या बहुत वो हो रही है, तो शुगर लेकिन HbA1c करा दीजिए। अगर इनको लगता है कि अगर शुगर रह जाए तो आंवला जरूर लेंगे, तो ग्रीन वाली चटनी के साथ आंवला ले लीजिए, ठीक है। अगर लगता है कि शुगर नॉर्मल है तो फिर वैसे मैंने बताया इसको, इनको आप समझा दीजिए कि मिश्री वाला भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है तो हमें HbA1c के उस पर ही डिपेंड करना है। तो कल इनकी ये रिपोर्ट आप करा लीजिएगा और उसके पश्चात जो हम मैं करा के रिपोर्ट देता हूँ। हाँ, मैडम इनकी अभी ना मासिक गर्भवती मैंने स्टार्ट की है। जी जी वो चल रही है। और मैडम एक चरक कंपनी की एक पीटोसिद्ध टेबलेट आती है। हाँ, वो एक एक टेबलेट सुबह शाम चल रही, बस अभी मैंने बस यही दिया है। जी सर, कल आप रिपोर्ट करा दीजिए तो फिर उसके आधार पर फिर हम बता देंगे कि इसमें क्या कैसे हमें एड ऑन करना है। बाकी डाइट शेड्यूल तो हमने इनको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। क्योंकि एक तो थैलेसीमिया है ही है, अगर शुगर का भी एक हमें बॉर्डर लाइन पता चल जाएगा हम लोग कंफर्म हो जाएंगे, तो इसके बाद हम इनकी जो चतुर्थ मास, पंचम मास, अष्टम मास की तीनों मास की जो क्या क्या इनको लेना है फिर एक हम पूरा शेड्यूल समझा देंगे। जी जी ठीक है मैडम। और इनका जो कार्डियक एनोमली के लिए कैसे करेंगे हम लोग कि भविष्य में? सर उसके लिए जैसे अभी अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ है ना, तो 3D 4D जो हुआ है उसको फिर हमें रिपीट कराना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग, हाँ हम लोग क्या करते हैं समटाइम्स, ऐसे पेशेंट हमारे पास भी एक आई थी, उसको एक बेबी था, उसको पहला बेबी उसका जो है वो 15 इयर्स तक जिया था और उसमें क्या था, उसको हार्ट प्रॉब्लम थी और वो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पता चल गई थी, लेकिन वो जब बच्चा डिलीवर हुआ, सीजन हुआ और वो बच्चा लड़का था 15 साल तक जिया और उसके बाद फिर वो लड़का एक्सपायर हो गया था। फिर उसको सेकंड प्रेगनेंसी आने में बहुत दिक्कत हुई थी, फिर उसने मेरा यहीं पर वाराणसी में ट्रीटमेंट लिया था। अब उसके पास एक बेबी है और वो भी गर्ल बेबी है, लेकिन वो भी मतलब उस पहले बच्चे के एक्सपायर होने के बाद, सोचिए 15 साल का तो वो बच्चा था, फिर उसके एक्सपायर होने के 5 साल के बाद वो बेबी, 20 साल के बाद वो बेबी उसको आया, उसने 3 साल तक मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया था। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो पेशेंट है उनसे कहिए लीव कर जाए। वो अभी लीव नहीं किया, मैंने तो कहा था लीव करने के लिए। नहीं वो लीव नहीं, सर आप बोल दीजिए, सर आप बोल दीजिए। हाँ देव दीदी आप लीव कर लीजिए, अभी आप बता दो भैया। तो उसी तरह की सेम फाइंडिंग उन्होंने यहाँ भी, उन्होंने उनको फिर बताई गई थी सेकंड बेबी में भी कि हार्ट की प्रॉब्लम आई है,
तो मैंने, क्योंकि बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी थी और बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क केस था, तो मैंने एक बार उनको दिल्ली में एम्स में भेजा था कि आप जाके एक बार वहां पे कंफर्म करके आइए कि आपका जो बेबी है वो, मतलब जो, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा 3D 4D की जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं. तो मैंने वहां भेजा था और उन्होंने भी वही कहा, जो जो सेम लाइनिंग उन्होंने भी लिखी थी कि फिलहाल तो अभी लग रहा है लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि यह हार्ट पेशेंट हो सकता है. लेकिन जी मैम, अब वो बच्ची 3 साल की हो गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम उसको आई नहीं है सर. तो जिस जी तरह की रिपोर्टिंग आप बता रहे हो, हम 99% कह सकते हैं कि वो मतलब एक सस्पेक्ट कर रहे हैं, या उनको सस्पिशियस केस इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको प्राइवेट इसकी पहले की हिस्ट्री मालूम है. तो जी हमें मैम, ऐसे केसेस में मंथली या फिर 6 वीक में हाँ हमें एक बार कंसल्टेट होके ये टेस्ट कराना चाहिए, जी जी मैडम, जी, और उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे. जी, मैं HbA1c करवा लेता हूँ मैडम इनसे. जी सर, फिर उसके बाद जी बता मैडम, दें. जी, थैंक यू मैडम. जी हेलो. हाँ जी बोलिए. हाँ दूसरे कोई पेशेंट की केस डिस्कस करनी है क्या मैम? पूछी थी यस सब मैम. लोगों से, किसी का हैंड रेस था शायद ना. हाँ हाँ मैम, मीनल मैम का हैंड रेस था. मीनल मैम बताइए. हाँ मैम, एक केस डिस्कस करना था मुझे. जी 37 ईयर ओल्ड फीमेल है और टाइफाइड पॉजिटिव है सर मैम उसका. लास्ट 6 ईयर से जी टाइफाइड पॉजिटिव है. अभी मेरे पास जब वो आया है तो उसके पास जो हिस्ट्री है कि 2017 में मैम उसको ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चला था क्योंकि उसकी नेक में एक ग्लैंड थी, लिम्फ नोड एनलार्ज थी, उसका ऑपरेट करके निकाला गया था और उसके बाद उसका ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलाया था. तो उसके ट्रीटमेंट लेने के बाद से उसको जो GIT प्रॉब्लम डेवलप हुई है वो अभी तक उसको ठीक नहीं हो पाया है. और इस टाइम प्रेजेंटली उसको जो कंप्लेन है वो बर्निंग इन द चेस्ट है और मोशन दिन में 2 बार आता है, फॉर्म्ड मोशन है बट वीकनेस बहुत है उसको, लेग में वीकनेस रहती है, वेट भी उसका गेन नहीं हो रहा. और उसका अभी 7 नवंबर को डेंगू का भी हिस्ट्री रहा है तो उस टाइम भी उसको फीवर की ड्रग्स दी गई, उसमें सब एंटीबायोटिक वगैरह दिया गया. और मेनली उसका मेन कंप्लेंट है कि उसका पेट जो है वो सही नहीं चलता है. वो कोलाइटिस का ट्रीटमेंट एक बार पहले ले चुका है आयुर्वेदिक ही, लेकिन वो रिलैप्स कर जाता है दोबारा से उसको, उसको कोलाइटिस का जो प्रॉब्लम है वो दोबारा डेवलप होता है. और इस टाइम उसका जो कंप्लेन है कि मोशन 2 बार हो रहा है, फॉर्म तो हो रहा है बट वीकनेस बहुत है उसको. तो मैम इसका टाइफाइड जो पॉजिटिव चल रहा है लगातार बॉडी में, उसके लिए हम क्या उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके चल सकते हैं? इससे मैम उसका SGOT और SGPT भी इंक्रीज आया है जो कि लास्ट रिपोर्ट में 55-56 समथिंग था और इस बार है SGOT 112 और SGPT 175. एच डी मैम टाइफाइड का उसका टेस्ट कौन सा हुआ था मैम? कौन सा वाला टेस्ट किया था टाइफाइड के लिए? मैम एक मिनट में दो बताती. मैम टाइफाइड का टेस्ट का नाम तो नहीं था, विडाल पॉजिटिव आया है उसमें. हाँ मैम विडाल, क्योंकि एक थोड़ा सिंपल टेस्ट होता है तो वो उनको मनोज सर अक्सर इस बात को कहते हैं, हम लोग सब कोट करते हैं कि वो जब एक बार पॉजिटिव आता है तो वो जनरली वो पॉजिटिव आता ही रहता है. इसका वेट कितना है? आपने वेट नहीं बताया पेशेंट का. वेट मैम इस टाइम इसका 60 kg है. 60 kg है. मनोज सर कुछ बताइए इसमें. मनोज अग्रवाल सर प्लीज. हेलो मैडम नमस्कार. एक्चुअली जी मैं सर, पूरा केस का एक जिस्ट मेरे को मिल सकता है? मीनल ने एक बार रिपीट कर दीजिए. राम सर, सर एक केस है जो लास्ट 6 ईयर से विडाल पॉजिटिव चल रहा है और हाँ उसका हाँ 2017 में ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चला था और ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के बाद से उसका पेट हमेशा जो है वो डिस्टर्ब चलता है. उस टाइम उसको लिम्फ नोड एक थ्रोट में, सॉरी नेक में इसका इनलार्ज था, उसको ऑपरेट करके निकाला भी गया और उसका एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट भी चलाया गया. आफ्टर दैट हाँ उसको कोलाइटिस डायग्नोस किया उन्होंने और कोलाइटिस का ट्रीटमेंट एलोपैथिक से और आयुर्वेदिक से उसने लिया, जी वो चीज कवर में नहीं आ पाई, लगातार उसका पेट खराब चलता है. जी उसको इस टाइम जो कंप्लेन है कि वो बर्निंग इन द चेस्ट, पेट का फूलापन,
और मोशन उसका दो बार हो रहा है, मोशन फॉर्म्ड है उसके अनुसार, बट उसका वेट गेन नहीं हो रहा, लेग में वीकनेस। और अभी 6th और 7th नवंबर में उसका डेंगू फीवर हुआ था, तो वो डेंगू का भी ट्रीटमेंट लेकर उसका प्लेटलेट काउंट, उसका कह रहा था कि मैम लास्ट 6 मतलब कई टाइम से उसका डेंगू से पहले भी प्लेटलेट काउंट हमेशा कम रहता था, लेकिन अब डेंगू का ट्रीटमेंट करने के बाद में अब उसका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर आया है, वो पहली बार आया है, इससे पहले उसका लगातार प्लेटलेट काउंट कम चलता था। तो एट प्रेजेंट उसका एच भी है 12.4 और प्लेटलेट काउंट उसका 1,90,000 है। 1,90,000 या और सर एचबी उसका जो वो एसजीओटी और एसजीपीटी है वो सॉरी डिस्टर्ब आया है, एसजीओटी उसका 112 और एसजीपीटी उसका 178 आया है। हां हां ये उसका लीवर का रिपोर्ट। डेंगू कितने दिन पहले हुआ है? डेंगू सर उसका है 7th नवंबर, इसी नवंबर को हुआ ना? हां सर। हां मैडम अभी डिसेंट में क्या होता है, डेंगू जितने भी हमारे हीमोपोटिक सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम है वो सारे को अफेक्ट करता है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर और स्प्लीन सारे में ही आता ही है। इसमें क्या होता है कि पहले वायु की चिकित्सा की जाती है, बाद में पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, और इसमें जो होता है कि वायु का विषद गुण का जो है वो प्रकोप होने की वजह से पेशेंट का प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बॉडी में डिस्ट्रक्शन वगैरह होता रहता है। तो यहाँ पर जो है कि जितने भी द्राक्षा के गण की जो चीजें हैं वो इंडिकेटेड है, उसको देने से आपको आपको जो LFT वो भी आपको बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाएगा, जिसमें कि द्राक्षादि कषाय है या द्राक्षा रिस है, और उसके साथ में आपको विदर आदि कषाय जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा आपको रहता है। तो और तीसरा जो है यहाँ पर चूंकि पेशेंट को एक मैंने संप्राप्ति जो है कफ की संप्राप्ति बनी हुई है, कफज ग्रहणी की संप्राप्ति भी साथ में बनी हुई है, पेशेंट को कोलाइटिस वगैरह भी है पेशेंट को, तो यहाँ पर पेशेंट को जो जैसे आपको शुरुआत में आपको आरकवध है महासुदर्शन घनवटी है, इसका आपको इसमें डेंगू के भी प्लेटलेट कम होने पे भी, पित्त प्रशमन में भी, वायु प्रशमन में भी, आम पाचन में भी, और शोषण कफ शोषण में भी आपको अच्छा काम करता है। तब आपको उसको 4 hourly और 6 hourly चेक करना होता है, एंड व्हेन इट रिवाइव्स तो दोबारा फॉल ना हो, क्योंकि डेंगू का फीवर जो सैडल बैक पैटर्न पे बैक करता है और वो हेमरेजिक पैटर्न में भी कन्वर्ट होता है। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, और डेंगू की तीन वैरायटी जो है, तीनों वैरायटी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जिसको कि IgG IgM देख करके आप अपने डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है ना? कभी IgG पॉजिटिव आ रहा है, कभी IgM पॉजिटिव आ रहा है, और कभी दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, कभी दोनों निगेटिव आ रहे हैं। इस क्राइटेरिया पे आपको देखना होता है, उसके गाइडलाइन आपको इंटरनेशनल गाइडलाइन भी दे दिए गए, ठीक है ना? तो अभी जो पेशेंट का आपका ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, प्लेटलेट करेक्शन हो गया, पेशेंट का म्यूकॉइड स्टूल 2 times a day, साथ में अभी म्यूकॉइड स्टूल नहीं बता रहा है, अभी मोशन वो प्रॉपर फॉर्म बता रहा है। नहीं मैडम, होता क्या है ना, अगर पित्त का वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहां पर पित्त स्टूल में द्रव गुण रहेगा, वो लेट नाइट में बार बार स्टूल और लिक्विड स्टूल पास करेगा, या दो तीन बार ही वो स्टूल पास करेगा मिड नाइट अराउंड 12 बजे के ऑनवर्ड, ठीक है? और जो कफ की वजह से होता है उसमें आपको पेशेंट कंप्लेन कुछ नहीं बताएगा, इवन दर्द भी नहीं बताएगा, क्योंकि वायु का संयोग कम रहेगा, त्रिदोषज है लेकिन वायु का डोमिनेटिंग फैक्टर है। सो वहां पर पेशेंट बोलेगा मेरे को ठीक ठाक पॉटी होती है, दो बार जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में पेशेंट क्या करेगा, उसका सिम्टम जो है ना एज पर सीजन दिशा देश काल जलवायु के हिसाब से वो एग्रावेट होगा, उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखने का। ये यहाँ पर ये कफज ग्रहणी के रूप की तरफ ये जा रहा है ज्यादातर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो ग्रहणी की चिकित्सा करना ही पड़ेगा, जिससे कि चूंकि डेंगू के पहले तक प्लेटलेट कम था, हाँ, तो उसके बाद आपने जो मेडिसिन लिया है अब वो उसके बाद ही वो रिकवर करके इतना हाई पहुंचा। हाँ, इसका रीजन क्या हुआ पहले ये भी समझना जरूरी, पेशेंट को IDP तो था नहीं कि था, ये जानना होगा पहला बात। दूसरी जो बात है कि पेशेंट को क्यों डेंगू के ट्रीटमेंट के बाद वो रिकवर कर गया, ये भी आपको जानना होगा,
कि जो पेशेंट डेंगू में नहीं था लेकिन उसका प्लेटलेट कम था, आज डेंगू के ट्रीटमेंट के बाद उसका प्लेटलेट रिकवर कर गया। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी होती है। अखरोट जो होता है वो प्लेटलेट को 1 लाख के लेवल में आपको पर डे बढ़ा सकता है अगर दिन में 2 बार लिया जाए। मैंने कहीं सीखा इस चीज को। द्राक्षा के जो इंग्रेडिएंट है वो बढ़ाते हैं, प्रवाल के जो है वो बढ़ाते हैं, और वासा के जो है उसको वासा जो है वो भी इस तरह के केसेस में आपको बढ़ाते हैं। दूसरा जो कफज का ये जो है इसमें महामंजिष्ठा वासा और कनकासों के कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, साथ में आपको महासुदर्शन घन के साथ नारक बदादी कषाय वगैरह भी दे सकते हैं, उससे भी पेशेंट आपका अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट में रहेगा। और किसी तरह के कोई इसमें प्रॉब्लम्स हो तो वो बताइए। और पेशेंट का ना धातु क्षय के जो ट्रीटमेंट है उसको भी करना है, क्योंकि पेशेंट जो है कुछ मैं सोचती हूँ शोधन उसका कर दूं, उसके बाद में उसको बल्य चिकित्सा दूं। तो मैडम मेरा मेरा थॉट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मैं जब शोधन देना है तब समन चिकित्सा नहीं करता, जब समन चिकित्सा करता हूँ तो शोधन चिकित्सा नहीं करता। मेरी थ्योरी एकदम क्लियर है, जब पेशेंट को शोधन में जाना है तो दैट मींस पेशेंट नीडेड शोधन थेरेपी, देन ओनली यू शुड सेंड अ पेशेंट टू अ शोधन थेरेपी। और समन में भी क्या है मैडम, बहुत सारे कंसर्न अपने को वायु पित्त कफ के हिसाब से बनाने पड़ेंगे और क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी जितना भी चिकित्सा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, इसमें व्याधि प्रतिनिधि में हम लोग दोष का डिफ्रेंसिएशन खोजते रहते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। या तो अपने को दोष प्रतिनिधि चिकित्सा करना है या व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा करना है, मैं बराबर बोलता हूँ। और साथ में क्रियाकाल के कौन से स्टेज में हम लोग पहुंचे हुए हैं वो ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एक ही डिजीज का क्रियाकाल का चौथा स्टेज है जहाँ पर व्यक्ति भेद स्थान संतर व्यक्ति भेद, तो वहां पर स्थान संतर से रसायन थेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि नहीं तो अपने किसी भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में स्पीडअप अपने नहीं कर सकते। तो बिफोर स्थान संतर मतलब 2/3 स्टेज अपने निदान परिवर्जन इन सबसे काम चला सकते हैं, साथ में मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन स्थान संतर ऑनवर्ड अपने को रसायन थेरेपी इंक्लूड करना। जी मैम ओके सर, तो आपके हिसाब से सर अभी मेरे को जो कंसंट्रेट अभी क्या है ना मैडम, समन थेरेपी अच्छे से कीजिए। उस पेशेंट का जो स्थान संतर बनने जा रहा है, रोग स्थान संतर बन चौथा क्रियाकाल में पहुंच रहा है, वो पकवासे और ग्रहणी की अच्छे से उसकी मजबूती बनाइए, पंचवल्कल वगैरह में जाइए, वो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है, ये सब बोल दीजिए। बेल को मत भूलिए, बेल एक बहुत अच्छी ड्रग है इसमें, क्योंकि ये पेशेंट बाद में पोर्टल सर्कुलेशन से जाकर के लीवर में अटैक करेगा लेटर ऑन, 5 साल से आ रहा है ना, एसजीओटी एसजीपीटी काफी हाई हो रहा है उसका। नहीं ये डेंगू से है मैम, ये डेंगू से है। जी मैम जी, वो हिमोपोएटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करता है। यहाँ पर द्राक्षादि कषाय है, आरोग्यवर्धनी है, और या फिर आपको अमृता रिस्ट है, इन सब चीजों को देंगे या फिर विदर आदि कषाय देंगे तो देखिएगा 2-3 दिन 4 दिन में ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। मेरे मेरे साथ ना 6 केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें पेशेंट के ना डेंगू निगेटिव आ गए, प्लेटलेट 80,000 था, एलएफटी अबनॉर्मल था, पेशेंट का बिलिरुबिन 2.9 था और पेशेंट का एमाइलिन लाइपेज तक बढ़ा हुआ है। ऐसे मेरे पास 6 केस थे, 3 या 4 तो अपोलो हॉस्पिटल में था जिसको मैं विजिट करके आया, और 2-3 पेशेंट तो घर में मैंने ट्रीट किए। 104-105 फीवर था पेशेंट को, एक के केस में टाइफाइड पॉजिटिव था, ठीक है। इन सारे केसेस में ही आपको जो मैंने प्रिंसिपल बताए उसे को ही फॉलो किया, और जो 80,000 का प्लेटलेट का पेशेंट था वो 1,90,000 लेस देन 12 आवर्स उसको अखरोट द्राक्षादि कषाय मैंने ऐड किया था और डाब का पानी के लिए अलाउ किया था। हेलो जी बोलिए। हाँ जी मैम, ये जैसे सर बता रहे हैं वो काफी इसे उस हिसाब से बता रहे हैं, अगर आप जैसे कंफ्यूज हो रहे हो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में इसी भी डिजीज मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस और शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल से, पेशेंट का पूरे होल बॉडी में मेट्स भर गए थे और पेशेंट का सीए प्रोस्टेट के लिए उन लोगों ने प्रोविजनल डायग्नोसिस किया था, क्योंकि पेशेंट के घर वालों ने उसका एफएनएसी ट्रू कट बायोप्सी के लिए मना कर दिया था, और वो लोग पेशेंट को ब्लंटली लेके घर चले आए ऑन बिहाफ ऑफ कि उनके जो घर में एक मेडिकल पर्सन था वो मेरा फ्रेंड था, तो बोले कि ऐसे केसेस को तो वो डील नहीं करते क्योंकि वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट था, तो उसने मेरा नाम रिकमेंड किया कि वो कर सकता है, वो देख लेगा जो भी हुआ।
मैं उस पेशेंट को जब घर में देखने गया था, पेशेंट का ऑलरेडी ऑक्सीजन डिपेंडेंट था, चल फिर नहीं पा सकता था। आप विश्वास करो, जस्ट दोष प्रतिनिक चिकित्सा के हिसाब से, विदाउट एनी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, जस्ट मैंने पेशेंट का क्रियाकाल और दोष प्रतिनिक के हिसाब से ट्रीटमेंट चल करने से, एक महीने में पेशेंट पैदल चलना चालू हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गया, और विश्वास करेंगे एक सवा साल के बाद पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसमें होल बॉडी का उसका पेट स्कैन वापस से रिपीट हुआ, और करीब करीब 60% उसका सीए के जो मेश थे वो काफी हद तक जा चुके थे। तो मैंने वहां पर सिर्फ दोष प्रतिनिक और आम की चिकित्सा की और कुछ नहीं किया मैंने, और रसायन थेरेपी ऐड किया था क्योंकि स्थान संचय हो चुका था, उसके बाद मैंने रसायन थेरेपी ऐड कर दिया। रसायन के रूप में आमले की रसायन, अश्वगंधा, कटकी और क्या नाम है इसका, जस्टी मधु, इन सबको, दशमूल को, ये मिला करके दिया था पेशेंट को। पेशेंट काफी अच्छा रिकवर किया, 1.5 साल तक तो पेशेंट चला, उसके बाद में पेशेंट का सडन बाथरूम में गिरा, हेड इंजरी हुआ वगैरह वगैरह होकर के पेशेंट सडन मिडनाइट में फिर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, 3 बजे के पेशेंट एक्सपायर किया। तो अपने किसी भी एक रूट को लेकर फॉलो कर सकते हैं, दोष पतनिक से भी और व्याधि पतनिक से, या कंबाइंड भी करना हो तो लॉजिकल होना चाहिए। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। कफज गृहिणी पे ही लेके चिकित्सा करना होगा, क्योंकि अग्निमाद जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और उसमें सारी जो है धातुओं का भी जो है ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है इधर में, और आप तो अच्छे से चिकित्सा कर ही रहे होगे, तो युक्ति पूर्वक चिकित्सा आप करने जाओगे इस पेशेंट की, यहाँ तक मुझे लग रहा है, और इसका हम लोग को फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर कभी भी ऐसे केस में बस्ती भी देना हो तो मेरे हिसाब से तो पीछा बस्ती सबसे अच्छा है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, और कहीं पर कभी भी घर में भी दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं जी, और हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, अब रिंगन है साथ में। ओके सर, जी और किसी को कुछ बोलना है तो कृपया बोलिए, आज तो मैं सेशन में आ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पेशेंट लोग इतने ज्यादा है, प्रैक्टिशनर लोग के लिए इतना मुश्किल हो जाता है सब चीज, और कोई है तो बताइए कृपया। सर इसी केस पे थोड़ा सा आप अपने विचार दीजिए। मैंने केस सुना ही नहीं, आप बताइए। सर हिस्ट्री है उसकी, पेशेंट को ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चला था 2017 में, और उसके बाद उसको कोलाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हुई, और एट प्रेजेंट उसका टाइफाइड पॉजिटिव चल रहा है, लास्ट 6 ईयर से बता रहा था वो, और उसको अभी नवंबर में ही स्टार्टिंग में डेंगू फीवर हुआ, और उसका जो प्लेटलेट काउंट लगातार कम चलता था वो डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बाद में 1 लाख के ऊपर गया, और अभी वो प्रेजेंटली मेरे पास सिर्फ इसलिए आया था कि मैम जो पेट का डिस्कम्फर्ट है, बर्निंग इन द चेस्ट है, ब्लोटिंग है, और मोशन 2 बार हो गया। मैं समझ गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या उनको? नहीं सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं, सिर्फ कोलाइटिस था, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा कोई मतलब वो कोई भी ये सिम्टम नहीं था कि उसको कहीं पर प्रिकिंग पेन है पेट के अंदर, या फिर उसको कोई ब्लीडिंग आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। ऐसा देखिए, पहले यक्ष्मा हुआ उनको, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा हुआ, फिर उसके बाद मतलब धातुओं का क्षय हुआ, उसके बाद में जो फीवर वगैरह आया वो सबसे ग्रहणी कला दूषित हुई। तो आपको एक तो धातु का जो क्षय है उसको ठीक करने के लिए राजमृगांक रस बहुत अच्छा काम करेगा, पहले दीपन पाचन शुरू करिए, और दीपन पाचन से ही ये जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो ठीक करना है आपको। हाँ, तो परपट्टी कल्प दे दीजिए, बढ़िया काम करेगा, परपट्टी कल्प, कोई आसावरिश दे दीजिए, घृत, सिद्ध घृत दे दीजिए, जैसे पिपल्यादि घृत, या फिर ताड़ीमादि घृत, वो बहुत अच्छा काम करेगा, और डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा घृत कल्पना से, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी जो आप टाइफाइड वगैरह का जो टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो बार बार रिकरेंस हो रहा है तो उसमें जय मंगल रस बहुत अच्छा काम करता है। फीवर नहीं आता सर, पर टाइफाइड पॉजिटिव आता है उसके ब्लड में हमेशा। पारिजातक बीज और जय मंगल रस देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। पारिजातक का पत्ता का स्वरस अगर या काढ़ा बना के दे वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा सर, पारिजातक स्वरस और सर जय मंगल रस। जय मंगल रस, हाँ स्वर्ण कल्प है जय मंगल रस, हाँ उसका नाम ही है जय मंगल, उससे काफी हद तक धातु क्षयात्मक जो संप्राप्ति है वो भी ठीक हो जाएगा, अग्नि भी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, पोस्ट कोविड में काफी पेशेंट को दिया था मैं। और ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए जो शॉर्ट में रहे, पेशेंट ले भी, और बस्ती वस्ती वो अच्छा चिकित्सा है, लेकिन पेशेंट बस्ती वस्ती से जो
परेशान हो जाते हैं उनको मत दीजिए, क्योंकि ऐसे माइंड में संजीवनी बटी ऐड कर सकते हैं क्या यहाँ पर? क्या सर? संजीवनी बटी ऐड कर सकते हैं? प्रणाम सर। ऐसे पेशेंट आप देखेंगे तो डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, मतलब माइंड से अनस्टेबल ज्यादा रहते हैं। तगर देंगे सर, तगर ऐड करेंगे। हाँ, तो ऐसे पेशेंट में हमें शॉर्ट में ट्रीटमेंट देना है और अच्छा ट्रीटमेंट देना है। जी हेलो सर, थैंक यू सर। डॉक्टर विनेश तो नहीं जी, आप ग्रुप में नहीं आए, सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको सर। जरूर क्यों, हमसे क्यों नाराज है आप? अभी नाराजगी नहीं है सर, अभी की तो आ जाइए ना आप। अभी सर टाइम ही नहीं मिलता, अभी हमें गवर्नमेंट 5 मिनट लगता है गूगल फॉर्म भर के आने में। जरूर आएंगे सर। जी ठीक है, बताइए सर। मैं ये इस पेशेंट में, जैसे आपने अभी बताया कि ये पहले, सबसे पहले टीबी, उसके बाद में ये टाइफाइड, डेंगू, तो इसमें सर जैसे अभी टाइफाइड के आ रहे हैं तो उसमें सर मधुरांतक वट्टी और मोती पिस्टी, एक तो ये ट्रीटमेंट, साथ में डेंगू के बाद में इनके जो लीवर में थोड़ा सा ये SGOT SGPT ये बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उसके लिए जैसे लिव 52 या इस तरह के कोई को साथ में चालू कर दे में, और जैसे आपने अभी जय मंगल रस का कहा इसी तरह, या तो जय मंगल या स्वर्ण बसंत मालती जीर्ण ज्वर में, और साथ में ये स्वर्ण होने के वजह से इनके वो जो टीबी में भी इफेक्टिव रहेगा, तो ये तो मतलब आपने, अगर आरोग्य वर्धनी को तुलसी के स्वरस के साथ दिया तो SGPT SGOT जो है 24 घंटे में नॉर्मल हो जाता है। हाँ हाँ सर, आरोग्य वर्धनी भी दे सकते हैं जी। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी, आप ये केस में ट्रीटमेंट दीजिए और हमें फॉलो अप बताइएगा, मतलब रिजल्ट आया कि नहीं आया वो भी बताइएगा। ओके सर। हाँ आपको देखिए कितना सारा चीज बता दिया गया है, अब आप बहुत अच्छा करने वाली है। ओके सर, इसमें चूज कर लूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? शुक्ला मैम आपको कुछ बताना है तो बताइए। कल तो माधव निदान बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम निदानार्थ कारक रोग पढ़ेंगे, जैसे कि अभी केस डिस्कस हुआ ना कि पहले यक्ष्मा हुआ, फिर डेंगू हुआ, फिर टाइफाइड हुआ, फिर ग्रहणी गला दूषित हुआ, इसी तरह से माधव निदान में भी बताया एक व्याधि से दूसरी व्याधियां कैसे होती है, निदानार्थकारी रोग के बारे में वर्णन है, और उसकी टीका भी पढ़ेंगे कल सुबह। सर इसी वाले आईडी से हम ज्वाइन करते हैं ना? सेम आईडी, सेम पासवर्ड। और आपको पता नहीं, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि आयुष दर्पण के लोग, जो वैद्य लोग है, 4 बजे उठ जाते हैं, तैयारी व्यारी करके और पढ़ने आ जाते हैं सुबह, इतने अच्छे लोग हैं, मुझे ऐसे लोग कभी पहले क्यों नहीं मिले, इतने पुण्यात्मा। सर आयुर्वेद की जय होने वाली है, बस पहले से सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं। मुझे 3-4 मैसेजेस आए कि सर हम सुबह उठ गए 4 बजे और हम पढ़ रहे हैं। मिनल मैम इसमें आप ग्लोए भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि क्या मैम? ग्लोए, ग्लोए, ग्लोए। ओके। हाँ क्योंकि मेरे पास भी एक तो ऐसे पेशेंट रहे जिनको काफी महीने तक फीवर भी आ रहे हैं ऑफ एंड ऑन, तो मैंने तो उनको ग्लोए का ही बोला और उन्होंने खाली एक ग्लो ही पी के उनका बिल्कुल ठीक हो गए थे, तो घर में थे ऐसे। बट मैम ये बड़ा कॉमन बात है कि इसका जो टाइफाइड का रहता है ना, ये लीवर में इसकी सिस्ट जो है वो रहती है स्टोर्ड, और ये मोशन के थ्रू पास होती रहती हैं। और पेशेंट से बोलिए नेल्स वगैरह काट के रखे, प्रॉपर हाइजीन करे, वाटर को आप उनको पानी उबला हुआ कर दीजिए उससे भी, और खान पान में तो आप पड़ता चेंज करेंगी, फाइबर वगैरह है ना उनका कम कराइए थोड़ा सा, बॉइल्ड और अनकुक्ड चीजें। ये जो टाइफाइड के कैरियर्स ही होते हैं इनके, हाँ सर, हमेशा ही रहते हैं पॉजिटिव ही आते हैं। हाँ, और उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है ना, उसकी वजह से और डोमिनेटेड हो रहा है। एक बार नहीं तो 3 महीने तो यूजली हम भी जैसे बिडाल पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं तुम दोबारा कराओगे पॉजिटिव आएगा, तो 3 महीने से पहले नहीं कराओ, तो इसीलिए आप मतलब उनको कहिए कि अपनी प्रॉपर डाइट वगैरह में, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ग्रहणी कला का भी दुष्टि है ही, आप शेयर कर ही रहे हो। और हाँ, इनको टाइफाइड की वजह से फिर बाद में ये सब छह जाना, तो पंचामृत कर्पट्टी भी मैम बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी इसमें। आपने शय का भी चिकित्सा करिएगा, शय का करिएगा, ग्रहणी का चिकित्सा करिएगा, मतलब सब सबको ध्यान में रखते, लीवर का भी करिएगा, टाइफाइड पे भी काम हो, सब पे काम। हाँ कुछ मेडिसिन ऐसी सेलेक्ट करनी होगी जिससे कि लीवर और आपका उसे ठीक हो जाए, और माइंड भी जो है जो सर ने बताया तगर, माइंड भी उनका एकदम फ्रेश होना चाहिए। ओके सर,
स्टेप बाय स्टेप चलूंगी सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर दे क्या? 9:30 हो गया। यस सर, थैंक यू सर। आप सभी को सो जाइए, सुबह 6 बजे तो आना है, तो आप लोग को जल्दी भी उठना होगा। यस सर। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोगों का।